आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 मार्च को होने वाले जनपद में मतदान के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ डीडीओ प्रांगण से किया गया रवाना। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा 3 मार्च को पोलिंग पार्टी जनपद में 4126 बूथों पर करवाएगी मतदान। जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से की अपील। कहा जनपद को गौरवान्वित करने के लिए 3 मार्च को अपने घर से निकलकर जरूर करें मतदान, पहले मतदान फिर करें जलपान। मार्च को मतदान के लिए जिला प्रशासन ने 843 बसों को किया अधिग्रहण। पोलिंग पार्टियों को बसों के माध्यम से मतदान स्थल के लिए डीडीओ प्रांगण से किया गया रवाना। छठवें चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताजा ने पोलिंग पार्टी रवाना स्थल, पुलिस परेड ग्राउंड व डीडीओ प्रांगण का किया निरीक्षण। पुलिस फोर्स को पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान स्थल के लिए किया रवाना, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चुनाव ड्यूटी के लिए किया गया है डीडीएमएस में ई इलेक्शन के फीचर का रिप्लेसमेंट। हर बूथ है जियो ट्रैक लोकेशन से सुसज्जित। गड़बड़ी या समस्या होने पर तुरंत मिलेगी सूचना, एसपीसीटी ने दी जानकारी। पोलिंग पार्टी रवाना स्थल डीडीओ प्रांगण में पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। एसपी साउथ की मौजूदगी में पोलिंग पार्टी को मतदान स्थल के लिए किया गया रवाना। मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की गई है कड़ी व्यवस्था। एसपीसीटी सोनम कुमार ने कहा हर बूथ पर मानक के हिसाब से लगाई गई है ड्यूटी। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से है मुस्तैद। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदाताओं को कराएगी कोविड प्रोटोकॉल का पालन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा जीतेगी सीटें, प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। तीन मार्च को मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान स्थल के लिए हुई रवाना, एसपीसीटी सोनम कुमार ने दी जानकारी। और गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 257। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।